नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। महाराष्ट्र के शिक्षकों को अपने नवाचारी प्रयासों द्वारा किया प्रेरित। संजय गोडावत यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में हुए राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन कार्यक्रम में उन्नाव की स्नेहिल ने दिया व्याख्यान। जब स्नेहिल ने किया जय महाराष्ट्र जय उत्तर प्रदेश से अपने व्याख्यान का शुभारम्भ। महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जनपद के अतिग्रह में स्थित संजय गोडावत यूनिवर्सिटी के प्रांगण में एटीएम अर्थात ऑल टीचर्स ऑफ महाराष्ट्र एक्टिव टीचर्स एसोसिएशन के छठे राष्ट्रीय शिक्षण सम्मेलन वर्ष 2023 के 20 मई से 23 मई तक चलने वाले आयोजन में उत्तर प्रदेश एकमात्र महिला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका स्नेहिल पांडे को आमंत्रित किया गया तथा उनसे वहां पर मिशन शक्ति के बैनर पोस्टर में आने के पश्चात अपनी विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात के एवं निपुण भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए उन्हें विशिष्ट अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि आने जाने से संबंधित तथा वहां रुकने आदि से संबंधित संपूर्ण हवाई यात्रा व्यय महाराष्ट्र के इन शिक्षकों के समूह ने ही उठाई। राष्ट्रीय स्तर के इस विशाल सम्मेलन में लगभग 600 शिक्षक उपस्थित थे। महाराष्ट्र के दूरदराज के विभिन्न जनपदों से आए शिक्षकों ने स्नेहिल पांडे को सुना तथा उनके वक्तव्य की बेहद सराहना की। निखिल पांडे ने मराठी भाषा में आदर सत्कार वाले वाक्यों को बोलने के साथ ही जय महाराष्ट्र से अपने भाषण की शुरुआत की तो वहां के शिक्षकों ने प्रसन्नता से संवेद स्वर में तालियों से उनका स्वागत किया और अपने प्रतिक्रिया में उनसे पुनः मिलने तथा उनके टच द स्लिप मजक अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित समाचार गुठली बैंक पर्यावरणीय नवाचार साइकिल दान शीलता संबंधी नवाचार एवं मोरल स्टोरी सुनाने बुलेटिन बोर्ड एवं समाचार पत्र पुरातन छात्र समिति आदि नवाचारों को अपने विद्यालय में भी रफ्तार से लागू करने का वचन दिया। विशेष अतिथियों तथा मुख्य अतिथियों में महाराष्ट्र के कौस्तुभ दिवे गांवकर शिक्षण संचालन SCERT पुणे संजय सिंह चौहान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोल्हापुर IAS जितेंद्र डूडी मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्थानीय विधायक भोंसले गोविंद नांदेड़ शिक्षण संचालक पूर्व शिक्षण संचालक महाराष्ट्र राज्य इकबाल शेख प्राचार्य कोल्हापुर आशा उबाले शिक्षा अधिकारी कोल्हापुर डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री शिक्षक तथा शिक्षाविद हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय राकेश कुमार पटेल गुजरात राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त असम शशांक हजारिका प्रमोद शिंदे महेश लोखंडे ज्योति बेलावले नारायण मंगलाराम तथा विक्रम अड़सुल आदि लोग उपस्थित थे। सराहनीय बात यह कि महाराष्ट्र के शिक्षक अपने व्यय पर इस तरीके के राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष करते चले आ रहे हैं तथा एक दूसरे के अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वे सभी प्राणप्रण से लगे हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार।